एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे ब्लॉग में मैं चॉकलेट फॉरेस्ट केक बनाऊंगी, वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आज मेरा बर्थडे है तो इसलिए मैं वो केक बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो चलते देखते हैं क्या क्या लगेगा। तो मुझे सबसे पहले ये व्हिप्ड क्रीम लगेगा, और ये चॉकलेट, ये सिरप है जो कि मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया हूँ, और चेरी का जो वाटर होता है वो है, ये चेरी रहा, और ये चॉकलेट केक, इसको मैं कटिंग करूँगी। ये सब चीज लगेगा। तो अब जो मेरा स्पॉन्ज केक है उसको मैं कटिंग कर लूँगी लेयर बाय, जितना मुझे लेयर बनानी रहेगी उतनी पतली पतली बना लूँगी। दो मैं लेयर बनाई हूँ, दो लेयर का बनाऊँगी। और अपने घर के केक बना हुआ मज़ा ही कुछ और होता है, और बहुत सस्ते में बन जाता है, और खाने को बहुत ज़्यादा मिलता है हम लोग को, क्योंकि अपने हाथों की बनी हुई है, जितना मन चाहे उतना खा पा, क्योंकि बाहर से लाने में हमको बहुत कॉस्ट पड़ जाता है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है बहुत टेस्टी होता है, और मैं ये केक की रेसिपी में जब अपनी माइक्रोवेव खरीदी थी तब हम लोग को एक कोर्स कराया गया था बेकरी का, तो मैंने सीखा था। फर्स्ट टाइम में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, फिर सेकेंड टाइम से मेरा अच्छा बनने लगा था, और धीरे धीरे फिर अच्छा ही बनता जा रहा है। और इसकी जो स्पॉन्ज केक मैं बनाई हूँ उसकी भी मैं रेसिपी डाली हूँ, डाल दूँगी। और इस पर मैं जो चेरी सिरप था वो डाल रही हूँ। चेरी सिरप डालने के बाद मैं फिर इस पर क्रीम डालूँगी, भूल से मेरा वो केक उठा ली थी, तो क्रीम डालने के बाद क्रीम को फैला लूँगी। फैलाने के बाद फिर मैं दूसरी लेयर वाली केक डाल दूँगी। और केक कटिंग के टाइम में आप चाकू को घुमा घुमा के, और जो आपका स्टैंड होता है उसको घुमा के काटेंगे तो इजली कट जाता है। अब ये डाल दूँगी, इस पर भी मैं सिरप डाल लूँगी, चेरी सिरप जो है इस पर भी डाल दूँगी, फिर क्रीम फैला लूँगी। अब इसी तरह से मैं पूरे को क्रीम फैला लूँगी, अच्छे तरह से सेट कर लूँगी। थोड़ा बहुत हाथ से भी करना पड़ता है, तो और कोई मेरा बेकरी शॉप वगैरह नहीं है, मैं घर में ही बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अपना जैसे सूटेबल हो रहा है वैसे बना रही हूँ। बस इसको क्लीन कर ले रही हूँ, मोल्ड को क्लीन करने के बाद मैं फिर से क्रीम इस पर डाल रही हूँ, क्योंकि क्रीम थोड़ी सी मोटी लेयर में डाल रही हूँ। और इस तरह से करने से मेरा जो पहले मैं फर्स्ट टाइम में जैसे किया फिर क्रीम डाली, तो इससे मेरा चॉकलेट का जो स्पॉन्ज का जो वो गूढ़ा रहता वो नहीं आएगा मेरे केक पे। इसी तरह से मैं पूरा लेयर बना रही हूँ, लेयर बैठ जाएगा, फिर मैं इस पर चॉकलेट जो है मेरा घिसा हुआ उसको डाल दूँगी। और मैं कहाँ से सामान खरीदी हूँ वो भी, जो कि हम लोग को पता है अभी COVID-19 के वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने ये ऑनलाइन ही सामान मंगाया था, उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसके हेल्प से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो चेरी कम दिख रहा है क्योंकि मेरी बेटी उसमें से खा ली थी उठा के, तो मैं फिर से फ्रिज से लाई हूँ निकाल के, क्योंकि ज़्यादा देर तक उसको हम डब्बे को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि वो बासी का फिर हो जाएगा। तो यही था मेरा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, और